नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु आपका स्वागत करता हूँ एस्टेट स्प्रिंट दीपांशु दीक्षित में। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी की ओएमआर सीट आपके पोर्टल पर आ चुकी है और वो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके बाद लोगों के डाउट्स हैं, किसी के नंबर कम हुए हैं, किसी के नंबर ज़्यादा हुए हैं, तो इसी में लोगों के डाउट है कि अब इसके बाद कट ऑफ क्या हो सकती है, कट ऑफ कम जा सकती है या कट ऑफ बढ़ सकती है, इसी से रिलेटेड इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। देखिए, जैसा कि ये लिख रखा हमने, ये दो कैटेगरी समझ लीजिए या दो तरह के पोल समझ लीजिए कि ये दो पोल करवाए हैं जो लगभग 15 से 20 हज़ार या 8 से 10 हज़ार लोगों पे ये पोल हैं। ये एक पोल वन है, एक पोल टू है, और ये कुछ पॉइंट है जिन पे इस वीडियो में बात करेंगे। पहला पॉइंट है बीएड अगर बाहर हो गया, जैसा कि एसएलपी दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में, अगर इसके इसमें बीएड के विपक्ष फैसला आता है तो उसमें कंपटीशन कितना कम जा हो सकता है। दूसरा पॉइंट है कि बीएड के बाहर होने से क्या मिनिमम कट ऑफ जो रखा गया था, जैसे कि 32% या 40%, तो ये कम किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। 60+ वाले अपने आप को सेफ समझें या नहीं समझें, या कितने नंबर पे आप सेफ हैं इस चीज़ को लेके। फीमेल जो कैटेगरी की लेडीज़ हैं या जो फीमेल हैं, वो अपने आप को कितने नंबर पर सेफ कर समझें। फिर कट ऑफ पर बात करेंगे, जनरल की कट ऑफ सेपरेट क्या हो सकती है, ईबीसी की क्या हो सकती है, एससी की क्या हो सकती है, एसटी की क्या हो सकती है, फिजिकल की हैंडीकैप की क्या क्या हो सकती है, फिर फाइनल आंसर की कब तक आ सकती है। इन सब टॉपिक्स पे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, एक ये है कैटेगरी वन और ये है कैटेगरी टू। कैटेगरी वन में कुछ पोल करवाए गए थे। पहला पोल में क्या था कि जिनके मार्क्स 20 से 25 हैं, ऐसे कितने लोग हैं, तो ये लगभग 6% लोग हैं और ये लगभग 10,000 पे अप्रॉक्सीमेट पोल हुआ था, मोटा मोटी 10,000 पे हुआ था। फिर इसके बाद सेकंड में क्या हुआ, 35 से 47 के बीच में कितने लोग हैं जो कि इस कैटेगरी में आते, तो ऐसे लोग 18% हैं। मेन चीज ये है कि देखिए, यहाँ 47 रखा गया था, यहाँ पे था 48, और 48 से 55 ये इसलिए रखा गया था कि जो ये 40% का क्राइटेरिया है, ये कितने लोग पार कर रहे हैं, यानी कि 48 से लेके 55 के बीच में कितने लोग हैं, तो इसमें आए 30% लोग। इसके बाद सेकंड क्राइटेरिया था 55 से 60 के बीच में, इसमें कितने लोग थे, तो इसमें थे 32% लोग। और इसके बाद रखा गया था 60+, जैसे चाहे वो 65 हो, 70 हो, 80 हो, 81 हो, इस तरह से किसी भी कितने भी मार्क्स हो, ये 60+ में, तो ऐसे लोग आए 14% यानी 14% आए। अब अगर देखते हैं इन्हीं दो कैटेगरी में लोग सबसे ज़्यादा थे इन दो कैटेगरी में, और इन दो कैटेगरी में कम थे, और ये जो कैटेगरी है ये ज़्यादा थी, और ये कट ऑफ जो हाई कट ऑफ को डिसाइड करेगी तो वो यही कैटेगरी करेगी जो 60+ वाले हैं। वो कैसे करेगी, देखिए आप सभी को पता है कि मेल की और फीमेल की मिलाकर, मेल की सीट है 13,000 इतनी ही फीमेल की है 13,000, तो ये जो फीमेल वाली सीट्स हैं या मेल, ये मेल वाली है, तो जो फीमेल है ये मेल की सीट पे आ सकती हैं, ये आ सकती हैं, लेकिन मेल इनकी सीट पे नहीं जा सकता है। तो ये फीमेल जो है इस कट ऑफ को हाई करेंगी, इनमें जो मेल थे वो तो थे ही थे अनरिजर्व में, और ये जो फीमेल अनरिजर्व थी, ये वाली महिलाएं मेल में आ सकती हैं, तो ये महिलाएं इस कट ऑफ को हाई ले जाएंगी। तो 60+ अगर इसमें किसी के हैं, अगर इस कैटेगरी में 60+ किसी के हैं, तो वो इस कैटेगरी में ऑटोमेटिक आ जाएंगी। अगर मान लीजिए यहाँ पे कट ऑफ जाती 60+ या 60 जाती है, और यहाँ पे किसी के 62 मार्क्स हैं फीमेल में, तो वो ओवरलैपिंग करके इसमें आ जाएंगी, और इस तरह से धीरे धीरे करके इसकी कट ऑफ इसीलिए बढ़ जाएगी। तो मेल यूआर की बात करें, अगर मैं अपना एक अंदाज़ा बता रहा हूँ, बाकी लोग तो कह रहे हैं 48 भी जाएगी, 40 भी जाएगी, कोई कुछ भी बोला कि आपने मिनिमम क्राइटेरिया पार कर लिया, अर्थात 48 पार कर लिया तो आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर आप मेल कैटेगरी से हैं और आपके 60+ मार्क्स बन रहे हैं, तो आप कट ऑफ की रेंज में आ जाएंगे। बाकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, मेरे अकॉर्डिंग ये 60 जाएगी प्लस 2 या माइनस 2, या ये कह लें प्लस 3 कर लीजिए इसको,
प्लस थ्री माइनस थ्री, यानी कि 63 से ज़्यादा नहीं जाएगी और 57 से कम नहीं जाएगी। ये कट ऑफ की रेंज रहने वाली है मेरे अकॉर्डिंग, बाकी लोगों के अकॉर्डिंग तो ये, और मेन चीज़ ये कि मेल यूआर की ही कट ऑफ आई जाएगी, बाकी सारी कट ऑफ लो जाएंगी, क्योंकि इसमें सारे ये सबके लिए ओपन सीट है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो चाहे किसी भी कैटेगरी से कोई भी आ रहा हो, ये कैटेगरी सबके लिए ओपन है, इसलिए इस कैटेगरी कट ऑफ आई जाएगी, बाकी कैटेगरी कट ऑफ आई नहीं जाएगी। तो ये तो होगी बात आपकी इसमें। एक चीज़ और, कई लोग कह रहे हैं कि अब बीएड बाहर हो जाएगा तो कंपटीशन लो हो जाएगा, इसका इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये इस कैटेगरी से देखते हैं। अब ये कैसे, ये दूसरा पोल हुआ था जिसमें कहा गया था कि 55 प्लस मार्क्स जिसके हों और जो वो पोल करें, मतलब कमेंट करें या वोटिंग करें, और जो बीएड से हो या बीटीसी से हो, ऐसे लोग भी एक साथ ही कमेंट करवाया गया था, तो उसमें 30% लोग जो थे बीएड के थे, 70% लोग बीटीसी के थे। तो ये तो कोई नहीं कह सकता कि बीएड बाहर हो जाएगा तो उससे कट ऑफ कम हो जाएगी या लो चली जाएगी, क्योंकि देखिए ज़्यादा लोग ये बीटीसी में है, डीएलएड में भी हैं जो इस रेंज में थे, इस कैटेगरी में थे, और जो 55 प्लस हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये 60 प्लस प्लस माइनस 3, तो मेरे अकॉर्डिंग पर्सनली 57 से 63 के बीच में यूआर की कट ऑफ जाने वाली है, जो मेरा मानना है, बाकी किसी और के अंदाजे से मुझे नहीं पता। और रही बात अगला कि पॉइंट वन, कि बीएड बाहर होता है कंपटीशन कितना हाई होगा कि लो होगा, तो देखिए कंपटीशन लो होगा लेकिन इतना भी लो नहीं होगा जितना लोग सोच रहे हैं, क्योंकि बीटीसी में भी या डीएलएड में भी 380,000 फॉर्म है भाई, 380,000 में कितने भी कम लोग होंगे, कितने भी कम होंगे तो 14-15-20% लोग तो 60 प्लस मार्क्स लाए होंगे, जो कि यू आर मेल की कट ऑफ पे रहेंगे या यू आर फीमेल की कट ऑफ पे रहेंगे। अब अगर मोटा मोटा लगा लिए 3 लाख का 10% निकालेंगे कितना होगा, 20% निकालिए, जो इतना ही निकालने से आपकी सीट्स कंप्लीट हो जाएंगी, भर जाएंगी यू आर वाली, तो इसलिए कट ऑफ कम नहीं जाएगी। हाँ कंपटीशन कम होगा लेकिन इतना कम नहीं होगा जितना लोग कह रहे हैं। अभी बीपीएससी कट ऑफ आने दीजिए, देखें कितना अंतर पड़ेगा, ये कि मिनिमम कट ऑफ कम किया जाएगा। देखिए जो बीपीएससी चेयरमैन सर ने कहा था कि मिनिमम कट ऑफ कम किया जाएगा, कि जब मैं 70% सीट्स मेरी भर नहीं रही होंगी तब मिनिमम कट ऑफ कम किया जाएगा, लेकिन डीएलएड में पर्याप्त संख्या है तो मिनिमम सीट्स भरेंगी, इसमें कोई दोहरा नहीं कि मिनिमम सीट नहीं भरेंगी, मिनिमम सीट भरेंगी और कट ऑफ कम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे जो लगता है। जो अपनी कैटेगरी में 48% यूआर में, 48 मार्क्स यूआर में यार, अर्थात 40% हैं, तो इससे कम नहीं होगा, इतने पे काफ़ी लोग मिल जाएंगे जो जिससे यूआर की सीट भर जाएं, तो ये कट ऑफ कम नहीं करना पड़ेगा, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब 60 प्लस वाले अपने आप को सेफ माने या ना माने, देखिए जो मैंने कट ऑफ बताई, जो हमें जो लग रहा है उससे 57 से 63 इस रेंज में है तो आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। उस अकॉर्डिंग 60 प्लस वाले जितने लोग हैं वो रेस में हैं या बॉर्डर लाइन पर, तो नहीं कहेंगे अच्छी कंडीशन में हैं, वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, और अगर जिसके भी 60 प्लस हैं वो अपने आप को सेफ मान सकता है। इसी तरह अगर फीमेल की बात करें वो कितने पे अपने आप को सेफ माने, जिस फीमेल, अगर फीमेल कट ऑफ की बात करें तो ये 53 से लेके 57 की रेंज में जाएगी। इस हिसाब से जो भी फीमेल 55 प्लस है वो अपने आप को सेफ मान सकती हैं, जो भी फीमेल चाहे किसी भी कैटेगरी की हो 55 प्लस है वो अपने आप को सेफ मान सकती हैं, और फीमेल कट ऑफ 53 से 57 के बीच में जाएगी। अब अगर कैटेगरी वाइज कट ऑफ की बात करें कि हर कैटेगरी में कितना कट ऑफ जाएगा, तो जैसा कि मैंने बताया मेल में यूआर में उसमें जाएगी 57 से 63 के बीच में जो है वो अपने रेस में है या बॉर्डर लाइन पर, ये कह सकते हैं इसी के रेंज में कट ऑफ जाएगी। अब इसी से 2 से 3 नंबर कम कर दीजिए, किसकी, ये जो भी बता रही है मेल की बता रहा हूं मैं, इसके बाद फीमेल की कट ऑफ बताऊंगा। ये जो है ऊपर मेल की कट ऑफ है, नीचे फीमेल की है। ईबीसी की बात करें
तो इससे दो से तीन नंबर कम कर देते हैं तो 54 से लेके तीन नंबर अगर कम करते हैं 54 से लेके 60 के बीच में जाएगी, ये ईवीसी के आसपास की बात है। एससी की इससे कम जाएगी तो इसमें भी दो से तीन नंबर 51 से लेके 57 के बीच में जो है वो कट ऑफ की रेंज में आ सकते हैं। इसी तरह 48 से 54 के बीच में एससी कैटेगरी के, और जो पीएच वाले हैं वो अपना जो उनका गुणांक है वो पार कर लेंगे, वो सेफ हैं, उनके क्वालिफाइंग मार्क्स हैं उनको क्लियर कर लें, वो अपने आप को क्लियर समझें। अब फीमेल की बात करें तो फीमेल की कट ऑफ जाएगी मेरे अकॉर्डिंग 55 से लेके 60 के बीच में, ये फीमेल यूआर की बात कर रहे हैं। फीमेल ईबीसी की बात करें तो इससे भी तीन नंबर कम कर दीजिए 52 से 57। इवन जो कैटेगरी फीमेल में है 48 प्लस है, जितनी भी महिलाएं 48 प्लस है अपने आप को ये समझा कि आपका लगभग सिलेक्शन हो गया बिहार से, लेकिन यूआर वाली 55 से 60 के बीच में ही अपने आप को सेफ समझे, जो 55 से 60 के बीच में वो अपने आप को सेफ समझे। बाकी सारी महिलाएं अगर 48 या अर्थात 40% की का रेंज पार कर रही हैं और 48 मार्क्स से ऊपर हैं तो वो सेफ हैं किसी भी कैटेगरी में हों। बिहार की महिला अगर है तो वो 48 मार्क्स क्रॉस कर रही तो वो अपने आप को सेफ समझा, देख लीजिएगा उनका कट ऑफ में मेरिट लिस्ट में नाम होगा। अब बात करते हैं कि फाइनल आंसर की कब आएगी, तो देखिए 1 से 10 के बीच में आप अपनी ओएमआर देख सकते हैं, इसी के बीच में आपको फाइनल आंसर की मिल जाएगी। ऐसा मैं किस लिए कह रहा हूँ ये बता रहा हूँ, देखिए आपको 10 से 16 के बीच में सारे रिजल्ट मिलेंगे देखने को। पहला मिलेगा माध्यमिक का, फिर उच्च माध्यमिक का मिलेगा, फिर आपको मिलेगा प्राथमिक का। तो प्राथमिक का आपको 15 से 16 तारीख के बीच मिलेगा और स्टार्टिंग में 10 तारीख के आसपास आपको मिलेगा माध्यमिक का। तो रिजल्ट आपके 10 या 11 तारीख से आना चालू हो जाएंगे, तो उसी से पहले आपको ओएमआर सीट मिल जाएगी, यानी कि 1 से 10 के बीच में आपको ओएमआर सीट देखने को मिल जाएगी। तो ये आज हम लोगों का वीडियो यही था, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर